ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता, तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। खुशामदीद मुल्तान हाकिम, आगरा में आपका इस्तकबाल है। आइए। हुजूर, हुजूर, आपकी ये हालत हमसे देखी नहीं जाती सर जाती। आप खुद को तिल तिल जलाकर खत्म कर देना चाहते हैं, जबकि खत्म उस सलीम को होना चाहिए। शाहबुद्दीन साहब, इस दुनिया में अगर कोई हमारे बारे में सच्चे दिल से सोचता है तो वह आप, हमारी अम्मी जान, अबू जान, भाई जान, सब महज नाम के रिश्ते रह गए, हमारे सके तो आप हैं जो हमें समझते हैं, हमारा दर्द समझते हैं। आपका ये दर्द ज्यादा दिन नहीं रहने वाला, क्योंकि आपका ये गुलाम आपके दर्द की दवा ढूंढने में ही लगा है। उसके बाद ये तख्त, ये ताज और ये मुगल सल्तनत, ये सब आपकी होगी हुजूर। हमें इजाजत दीजिए। कैसे हैं साहबुद्दीन साहब? आप लोग यहां लगता है बहुत जल्दी में है, कहां जाने की तैयारी है आपकी? जाएंगे कहां हुजूर? बस यही घर तक जा रहा था। इतनी जल्दी क्या है शाहबुद्दीन साहब, जरा दो बातें तो कर लीजिए हमसे। हुजूर, आज कुछ घर पे जरूरी काम है, कल मिलते हैं। अभी नहीं, अभी हमारे साथ चलिए, आइए, चलिए चलिए। खूबसूरत लग रही हो जोधा बेगम, कमाल है ना? इस उम्र में भी कोई भी तुम पर मन मिटेगा, लेकिन इस सब का कोई फायदा नहीं, क्योंकि शाम होने वाली है। ये सुंदरता, ये श्रृंगार सब मेरे काम आएगा। जोधा, मैं पिछले कई दिनों से देख रही हूँ कि आपका व्यवहार बदलता जा रहा है, आपकी बातें, आपकी आदतें, सब कुछ अलग होती जा रही है। जानते हैं हम, आप जानती हैं, फिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मेरा मतलब है कि चुप कर। कितना बोलती है तू? माँ है मेरी, सास है मेरी, जब देखो तब सलाह देती रहती है। शहंशाह के मेहमान आ चुके होंगे, शाही दावत पर जाना है, जल्दी कर। वैसे भी बहुत भूख लगी है मुझे। तो लगाती जाइए। कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा लगता है कि जोधा किसी बुरे साये के घेरे में है। आदाब शहंशाह, आदाब शहंशाह, आदाब। I salute you, your majesty queen. प्रणाम। जोधा बेगम, आप तो इनकी जुबान बखूबी जानते हैं, तो क्यों ना इन्हें इनकी जुबान में जवाब दिया जाए। वो हम इनके संस्कृति और भाषा का सम्मान करते हैं,
इसलिए हमने इनकी भाषा सीखी। पर चूंकि इन्हें मुगल सल्तनत के साथ अपने संबंध बनाने हैं, तो इन्हें हमारे तौर तरीके और संस्कृति सीखनी चाहिए। बहुत खूब, बिस्मिल्लाह कीजिए। छोड़ी पहले ये बताइए, ये क्या हरकत की आपने? ये क्या किया आपने सबके सामने? ऐसा क्यों किया आपने जोधा बेगम? क्या किया हमने? क्या किया आपने? अब सबके सामने पर्दे के पीछे से बाहर आए और जिस तरह खाना खाया आपने, जिस तरह खाने पर टूट पड़ी, क्या यही आपकी तहजीब है? आपने सबके सामने हमें शर्मिंदा किया है जोधा बेगम। हमने क्या किया? सामने भोजन था तो बस खाने लग गए, उसमें ऐसा क्या किया हमने? हमें भूख लग रही थी तो हमने खा लिया। अगर भूख लगी थी तो किसी से मंगवा लिया होता। और आप गोश्त कब से खाने लगी? आपको बुरा लगा? हम आपसे क्षमा मांगते हैं, चाहे तो हमें कोई सजा भी दे दीजिए। हम बस जानना चाहते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। अब छोड़िए भी ना, रात गई बात गई और फिर हमने आपसे क्षमा मांग तो ली है, अब भूल भी जाइए ना। आइए ना, हमारे पास आकर बैठिए, आइए। शायद लोग ठीक ही कह रहे हैं जोधा बेगम, कि आजकल आप कुछ बदल सी गई हैं। देखिए, अगर कोई बात है तो हमें बता दीजिए आप हमें, कि अगर कहीं आपको कुछ हुआ तो नहीं है। हमें क्या हुआ है? हमें तो बस मोहब्बत हुई है आपसे। हम तो बस हर समय यही चाहते हैं कि आपके पास रहे, आपकी बाहों में। हमारी आंखों में देखिए, केवल आपके लिए इंतजार है। हर पल हर समय बस आपके लिए इंतजार। आइए ना, हमारे पास आइए। आपको हमारे साथ की जरूरत नहीं, आराम की जरूरत है जोधा बेगम। आराम करिए आप, तब शायद आपका जहन ठिकाने पर आ जाएगा। खैरियत से रहिएगा, शब्बा खैर।
मांस देखकर तुझे क्या हो जाता है लाबोनी, जबड़े पड़ती है उस पर। मैं कुछ भी कहूं, मुगल रसोई का भोजन लजीज था। अभी तक स्वाद है उंगलियों में। और तुम कब तक दूर रहोगे मुझसे जलाल? आखिर मैं तुम्हारी पत्नी हूं और तुम मेरे पति। मैं सजनी, तुम साजन। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि जोधा बेगम को हो क्या गया है। यही सवाल सबके दिल में है जलाल, क्यों ना मोती को बुलाकर पूछ लिया जाए कि पिछले दिनों क्या हुआ था। वही तो है जो जोधा के साथ सबसे ज्यादा वक्त गुजारती है। मोती भाई को बुलाया जाए। प्रणाम शहंशाह। मोती, तुम हमेशा से जोधा बेगम के साथ रहे, क्या इन दिनों जोधा बेगम के साथ कुछ हो रहा है? पता नहीं शहंशाह, परंतु पिछले कुछ दिनों से वो ऐसे व्यवहार करे हैं जैसे वो जोधा बेगम है ही नहीं। सजती है, सवरती है, हम पर क्रोध करती है, हुक्का पीती है, पान खाती है, और जीवन में जिसने कभी मांस का नाम ना लिया, उन्होंने क्या किया आप सबने देखा। शाम होते ही ऐसा लगता है किसी और की आत्मा उनके शरीर में आ जाती है, और वो जोधा बेगम लगती ही नहीं जिनके साथ हमने हमारा बचपन बिताया है। हमें भी यही शक है जलाल, इसीलिए हमने गुलरंग बानो को बुलाया है। वो आलिमाए नजूम है, उनके पास ऐसी मुश्किलात का हल होता है। ऐसी बातें कर रहे हैं आप अम्मी जान? जोधा बेगम एक नेक दिल और मजबूत औरत है, उन पर किसी का साया कैसे हो सकता है? रूहानी ताकतें और जादू टोटके में बहुत ताकत होती है जलाल। याद करो, कुछ ही दिन पहले तुम भी ऐसे टोटके का शिकार हो चुके हो। हमें लगता है कि जोधा भी किसी जादू का शिकार हो गई है। तब भी हम आपकी बात पर यकीन नहीं करेंगे। लेकिन शहंशाह, जोधा बेगम जिस तरह से बर्ताव कर रही है उसे तो हमें भी यही शक है, और एक बार पता करने में क्या हर्ज है? ठीक है, गुलरंग बानो को यहाँ बुलाया जाए, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर किसकी रूह जोधा बेगम को परेशान करेगी। अब इस बात का जवाब तो गुलरंग बानो ही दे पाएंगी ना। बुलाओ गुलरंग बानो को। आदाब हुजूर। गुलरंग बानो, हमने आपके इल्म के बारे में बहुत सुना है। हमें शक है कि मलिका हिंद पर किसी रूह का साया है। इसका फैसला तो हम सब कुछ सुनकर ही कर पाएंगे। आप बताइए, आपको ऐसा क्यों लगता है? कुछ दिन से जोधा बेगम के मिजाज कुछ बदले से लग रहे हैं। इसका पता अभी चल जाएगा शहंशाह। इसमें कोई शक नहीं है कि महल में एक शैतानी ताकत मौजूद है। एक काली ताकत की मौजूदगी का एहसास हो रहा है हमें। क्या आपको यकीन है? उसका पता अभी चल जाएगा शहंशाह। मुझे जोधा बेगम से मिलना होगा, लेकिन याद रहे उस वक्त हमारे बीच और कोई नहीं होना चाहिए। जोधा,
ये गुलरंग बानो है, रिश्ते में जलाल की मामी लगती है। प्रणाम। जीती रहो दुल्हन। आगरा आई थी, तुमसे मिलने का इसरार किया, इसीलिए इन्हें हम तुम्हारे पास ले आए। तुम इनसे बैठकर बातें करो, हम जरा सलीमा से मिलकर आते हैं। बैठिए। कैसी हैं आप? बस बड़ों का आशीर्वाद है। आप सुनाइए, इससे पहले कभी सुना नहीं आपके बारे में। हाँ, हम दरवेश बन गए हैं, खुदा को याद करते हुए इधर उधर घूमते रहते हैं। वैसे आपके बारे में बहुत सुना, जो सुना उससे भी कहीं ज्यादा हैं आप। आपके हाथ इस उम्र में भी कितने मुलायम हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? हाथ छोड़िए हमारा। हमें दुख रहा है। हाथ छोड़िए हमारा। तोड़ मुझे। आमी लाबोनी, मैं जोधा नहीं हूं। मुझसे चालाकी करने आई है तू? तुझे क्या लग रहा है मैं बेवकूफ हूँ? तेरी जैसी चालाकी मेरे जूते पर भी नहीं चलेगी, समझ रही है तू? छोड़, मैं छोड़ा रही हूँ। जाना बहुत खतरनाक है, आप वहाँ मत जाइए। इस वक्त हमें जोधा बेगम खतरे में दिखाई दे रही, उन पर लाबोनी का साया सवार है। इस वक्त जोधा बेगम को मेरी जरूरत है, हमें वहाँ जाना होगा। चलाकी करने आई थी जोधा बेगम। देखिए ना मामी जी को क्या हो गया। अरे हाँ, ये मामी जान को क्या हो गया? पता नहीं, अम्मी जान हमसे मिलवाने लगी थी, बहुत देर तक तो हमसे बातें करती रही,
फिर जब जाने लगी तो अचानक से गिर गई। अभी आप आए तभी आपने देखा ना, मामा के पास हमें को बुलाने जा रहे थे। हमें ऐसा लगता है कि इन्हें हृदयघात हो गया है। देखिए ना शमशा क्या हो गया, हमें बहुत बहुत बुरा लग रहा है। मामी जी अब फिक्र मत करिए, जो भी मामा है ना। सुनो चलिए से नाके बस एक बस लेके चले जाओ। आप घबराइए मत जोधा बेगम, सब कुछ ठीक हो जाए। जानते हैं कि आपको किसी साई ने घेरा हुआ है जोधा बेगम, लेकिन हम आपको कुछ होने नहीं देंगे। हम आपको इस बदरू से आजादी दिला कर रहेंगे।